नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर। मेरी जानी अनु के साथ एंड एज यू वेलकम सी ऑन योर स्क्रीन्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइव राइट स्टेप्स टेकन बाय न्यूजीलैंड, और इन्हीं पांचों स्टेप्स की वजह से किस तरीके से न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से अपने आप को फ्री कर पाया। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की सक्सेस स्टोरी की, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा बेसिक जानकारी से। जानकारी ये है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो एक आइलैंड है। न्यूजीलैंड एक आइलैंड नेशन है और ये आपको साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मिलेगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते होंगे कि ये है न्यूजीलैंड और ये एक कम्प्लीटली आइसोलेटेड नेशन है। इसके दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, और जो इसका मोस्ट क्लोज कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, यानी न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी है ऑकलैंड। ऑकलैंड इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ न्यूजीलैंड ऑल्सो। टू मेन लैंडमार्सेस हैं न्यूजीलैंड को, दो मेन लैंडमार्सेस प्लस 600 छोटे छोटे आइलैंड्स मिल करके एक बड़ा देश बनाते हैं जिसको हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। दो मेन लैंडमार्क्स की मैं बात कर रही थी, तो वे दोनों मेन लैंडमार्क्स हैं दोस्तों। एक है साउथ आइलैंड, ये है साउथ आइलैंड, और दूसरा है नॉर्थ आइलैंड। तो दोस्तों जो नॉर्थ आइलैंड है इसमें ही आपको वेलिंगटन और ऑकलैंड दोनों ही मिलेंगे। न्यूजीलैंड का इतिहास रहा है दोस्तों कि एक बहुत लंबे समय तक इंसानी कदम इस देश पर नहीं पड़े थे। इस वजह से न्यूजीलैंड जो है एक बहुत लंबे समय तक आइसोलेट रहा था, आइसोलेटेड कंट्री रहा था। फाइनली जब इस देश पे इंसानी कदम पड़े तो लोगों को पता चला कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत देश है ये देश, अपने नेचुरल सीनरी के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये था दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा मोटे मोटे फैक्ट्स। अब बात करते हैं पांच ऐसे स्टेप्स की जो न्यूजीलैंड ने टाइम से ले लिए ताकि उन्होंने अपने यहाँ पे कोरोना वायरस को रोका। तो सबसे पहला जो स्टेप था दोस्तों वो था टाइमली एंड टफ लॉकडाउन। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा एक बात कही गई थी, उन्होंने कहा था कि वी मस्ट गो हार्ड एंड वी मस्ट गो अर्ली, यानी कि सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे और जल्दी से जल्दी कदम उठाने होंगे। इसी को ध्यान में रख के उन्होंने सबसे पहले अर्ली लॉकडाउन कर दिया, और ये जो लॉकडाउन था ये 15 मार्च को इम्पोज कर दिया गया। जब ये लॉकडाउन इम्पोज किया गया उस समय न्यूजीलैंड में सिर्फ 100 ही कन्फर्म्ड कोरोना वायरस के केसेस थे, लेकिन एक भी डेथ नहीं हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि समय से न्यूजीलैंड ने कदम उठाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने क्या किया, न्यूजीलैंड ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो थे सभी के सभी फॉरेनर्स के लिए क्लोज कर दिए, और जितने भी न्यूजीलैंड के नेटिव बाहर के देशों से न्यूजीलैंड वापस आ रहे थे उन सभी को कंपलसरी कर दिया कि आप 14 दिन तक होम क्वारंटाइन फॉलो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद 10 दिन बाद दोस्तों 25 मार्च को, ठीक वही तारीख जब इंडिया ने भी अपना लॉकडाउन इम्पोज किया था, न्यूजीलैंड ने अपना लॉकडाउन इम्पोज कर दिया, और ये कंप्लीट लॉकडाउन था। इस लॉकडाउन की खासियत ये थी कि जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे, जितने भी सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानून थे, उन सभी का पालन किया गया। जितने भी असेंशियल सर्विसेज थी जैसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं, हॉस्पिटल, गैस स्टेशंस, ये सभी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सारी सर्विसेज को न्यूजीलैंड में कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। व्हीकल के ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और लोगों को हाउस होल्ड में ही यानी उनके घरों में ही सोशल इंट्रैक्शन करने के लिए लिमिट कर दिया गया। लोग अब अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, लेकिन ये सिर्फ एक ही महीना या मैं कहूँ तो इससे कुछ ज़्यादा समय के लिए रही। इसके बाद न्यूजीलैंड ने इन रिस्ट्रिक्शंस को ईज करना शुरू कर दिया, यानी इनमें ढील करना शुरू कर दिया, और फाइनली हम ये देखते हैं कि न्यूजीलैंड में आज के समय में इंटरनेशनल बॉर्डर्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें अब नॉर्मल तरीके से काम कर रही है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि द लॉकडाउन रूल्स वर वाइटल एज दे सप्रेस्ड द स्प्रेड ऑफ द वायरस अर्ली एंड ब्रॉट प्रीशियस टाइम दैट अदर कंट्रीज वेस्टेड। न्यूजीलैंड के बारे में खास बात यह है दोस्तों कि उसने बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाई, समय से मेजर्स ले लिए, और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अपने देश में इम्पोज कर दिया। कोरोना वायरस की जब पहली स्टेज होती है तो उस स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि जितना जल्दी आप टाइमली मेजर्स ले लेंगे उतना ही जल्दी आपके चांसेस होंगे कि आप इस वायरस से अपने आप को मुक्त कर सकें। न्यूजीलैंड ने
पहली और दूसरी स्टेज में अच्छे से एक्शन लिया और इन्हीं एक्शंस का नतीजा है कि न्यूजीलैंड अपने आप को कोरोना वायरस से फ्री कर पाया। उसने ऐसे समय का इस्तेमाल किया जो समय पूरी दुनिया ने वेस्ट कर दिया था। पहला एक्शन ये लिया गया दोस्तों। दूसरा एक्शन क्या लिया गया न्यूजीलैंड की सक्सेस स्टोरी में, दूसरी जो बात है वो है न्यूजीलैंड का इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। जिस तरीके से सरकार ने लोगों को स्थिति की गंभीरता बताई वो तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल और वही कम्युनिकेशन ने रोल यहाँ पे भी प्ले किया। लॉकडाउन इम्पोज करने से ठीक एक रात पहले सभी न्यूजीलैंड के देशवासियों में के फ़ोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज कुछ इस तरीके का था कि दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल द न्यूजीलैंड, वी आर डिपेंडिंग ऑन यू। When you stay tonight, where you stay tonight is where you must stay from now. It is likely the strictest measures will stay in place for a number of weeks. ये जो मैसेज था दोस्तों, इस मैसेज ने ऑलरेडी स्थिति की गंभीरता लोगों को बता दी थी। लोगों को अंदेशा हो गया था कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है, यानी कि सरकार एक सख्त एक्शन लेने वाली है और इसमें सरकार को लोगों की मदद की जरूरत है। जब 16 अप्रैल को ये मीटिंग हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो 16 अप्रैल को न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है जेसिंडा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग नो अदर कंट्रीज हैज अचीव्ड, एलिमिनेशन ऑफ द वायरस। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि इनके इन सभी एक्शंस में किस तरीके से इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन छुपा हुआ है। यानी कि पहले तो मैसेज के थ्रू न्यूजीलैंड के सभी लोगों को बता दिया गया कि स्थिति गंभीर आने वाली है और हम इस तरीके का स्टेप लेने वाले हैं। दूसरा जो मैसेज था, दूसरा जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, इसमें जेसिंडा के द्वारा ये बताया गया था दोस्तों कि लोगों के अंदर ये विश्वास जगाया गया था कि पूरी दुनिया जो नहीं कर पाई है वो हम करेंगे, यानी कि हम समय से कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री के द्वारा और क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे कम्युनिकेशन की दिशा में। प्रधानमंत्री ने मैसेजेस के थ्रू लोगों से लगातार कॉन्टैक्ट बनाए रखा, प्लस लोगों को स्थिति की जानकारी देने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने लगी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये हर व्यक्ति के लिए थी और इसमें बच्चे भी इंक्लूड थे। इन वजह से ये जो इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन था, इन सभी ने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। लोग तुरंत ही तैयार हो गए कि हाँ, हम अपनी सरकार की मदद करेंगे, ये एक महामारी है और पूरे देश के लिए खतरा है और इस खतरे से हमें एक साथ मिल के बाहर आना होगा। इन सभी एक्शंस पर सिटीजन के क्या रिएक्शन आए, तो दोस्तों दो लोगों के रिएक्शन हमने यहाँ कोट कर दिए हैं। पहला जो व्यक्ति है वो कहता है कि द गवर्नमेंट वॉज रियली गुड एट मैनेजिंग पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, यानी कि लोगों ने अपनी सरकार से जो उम्मीदें की थी, सरकार ने बहुत अच्छी तरह से उन उम्मीदों को पूरा किया है। दूसरा जो सिटीजन है वो कहता है वी वर टोल्ड इट वुड टेक 2 weeks फॉर साइन दैट द लॉकडाउन वॉज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द नंबर्स। This made the purpose of the lockdown easy to understand and accept. लोगों को बताया गया था कि आपके एरिया में, यानी के पूरे न्यूजीलैंड में एक लिमिटेड टाइम के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है और उसके बाद इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि कोरोना वायरस को हमें ख़त्म करना है, कंटेन करना है, इसको फैलने नहीं देना है। लोगों को समय पता था, समय सीमा पता थी, प्लस लोगों को ये भी पता था कि उनका पर्पज़ क्या है। इन सभी वजह से दोस्तों लोगों ने अपनी सरकार का पूरी तरह से सहयोग किया, हर एक मीज़र को फॉलो किया गया, हर एक कानून को फॉलो किया गया और रिजल्ट हम ये देखते हैं कि न्यूजीलैंड फाइनली कोरोना वायरस से फ्री हो गया है। तीसरा जो स्टेप है न्यूजीलैंड की सक्सेस स्टोरी में वो है मैसिव टेस्टिंग। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैसिव लेवल पे टेस्ट करने की। जेसिंडा यानी के न्यूजीलैंड की जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, उन्होंने अनाउंस किया था कि कंट्री कुड पोजेस अप टू 8,000 टेस्ट पर डे, वन ऑफ द हाइएस्ट टेस्टिंग रेट्स पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टेस्टिंग रेट्स में से एक रेट था न्यूजीलैंड के टेस्टिंग रेट का। इन टोटल इट हैज़ टेस्टेड जस्ट
अंडर 2,95,000 पीपल अगेन गिविंग इट अ कंपेरेटिवली हाई पर कैपिटा रेट ऑफ टेस्टिंग। जिस तरीके की दोस्तों न्यूजीलैंड की जनसंख्या है उस हिसाब से इतने ह्यूज नंबर पे न्यूजीलैंड ने टेस्टिंग की और उसी टेस्टिंग का रिजल्ट है कि न्यूजीलैंड कोरोना वायरस फ्री हो गया है। साइंटिफिक बॉडी एक ऐसी बॉडी जो सरकार को COVID-19 रिस्पॉन्स पे सलाह देती थी, उसके जो हेड है शॉन हैंडी, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेड द कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसर्स कुड मोर इजीली ट्रेस पीपल हु नीडेड टू आइसोलेट वेन केसेस वर आइडेंटिफाइड। यानी कि इतने ज़्यादा सख्त मीजर्स लिए गए दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति तक न्यूजीलैंड की सरकार की पहुंच हो गई। इस पहुंच का ही रिजल्ट रहा कि जो व्यक्ति भी पॉजिटिव था या जिसमें भी सिम्टम्स थे, सरकार की पहुंच उस व्यक्ति तक थी। उस व्यक्ति को ठीक करना, उस व्यक्ति की हेल्थ सरकार के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी। आगे कहा जाता है दूसरे ऑफिशियल के द्वारा कि फॉलोइंग द WHO एडवाइस अराउंड मास टेस्टिंग एंड रोबस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हैज़ बीन की टू लिमिटिंग द डेथ टोल। यानी कि WHO के द्वारा जो भी एडवाइस की जाती है प्लस मास लेवल पे यदि हम टेस्ट करते हैं तो हम कोई रीज़न नहीं है कि फेल हो जाए कोरोना वायरस को कंटेन करने में। तो यानी कि बेसिकली न्यूजीलैंड के द्वारा दो चीज़ें बताई गई हैं। पहली ये है कि जो भी इंटरनेशनल मेजर्स हैं आप उनको पूरा कीजिए। दूसरा ये है कि मैसिव टेस्टिंग आप ज़रूर अपनी कंट्री में कीजिए। चौथा जो स्टेप है न्यूजीलैंड के द्वारा लिया गया है दोस्तों, न्यूजीलैंड की इस सक्सेस स्टोरी में लो पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल एडवांटेज ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप सभी ने मैप में देखा होगा दोस्तों कि न्यूजीलैंड एक आइसोलेटेड आइलैंड है, इसके आसपास कोई दूसरे देश की बाउंड्री नहीं लगती है। इस वजह से इसने क्या किया है दोस्तों कि इट हैज़ मोर कंट्रोल ओवर हु कैन एंटर एंड देन अदर कंट्रीज विद लार्ज लैंड बाउंड्रीज। न्यूजीलैंड की एक आइलैंड नेशन है, इसकी सी बाउंड्री है, इसकी किसी और देश से कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। इस वजह से न्यूजीलैंड कंट्रोल कर सकता है उन सभी सिटीजन्स को जो बाहर के देशों से न्यूजीलैंड में आ रहे हैं, और ये बहुत आसानी से न्यूजीलैंड कर सकता है। दूसरी बात जो न्यूजीलैंड के लिए एडवांटेज बन के सामने आई वो ये है कि न्यूजीलैंड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है, मीनिंग वायरस जो है बहुत ज़्यादा इजीली ट्रैवल नहीं कर सकता थ्रू द पॉपुलेशन एज फीवर पीपल एनकाउंटर ईच अदर। न्यूजीलैंड माना कि एक बड़ी कंट्री है लेकिन आइसोलेटेड आइलैंड है, और दूसरी बात यह है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। इस पॉपुलेशन डेंसिटी के कम होने की वजह से दोस्तों वायरस के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल सके। इस वजह से ये वायरस जो था ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से और पॉपुलेशन के फैक्टर की वजह से भी कंटेन हो पाया। न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े ऑफिसर पाइजिक बोलते हैं कि एक रिमोट आइलैंड नेशन दैट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड मास टेस्टिंग एंड क्लोजिंग द बॉर्डर्स टू ड्राइव आउट COVID-19 वुड बी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट एल्सवेयर टू द सेम डिग्रीज ऑफ सक्सेस। इनका कहना है दोस्तों कि जिस तरीके के मेजर्स न्यूजीलैंड के द्वारा लिए गए, यानी कि जिस तरीके से ज्योग्राफिकल एडवांटेज और लो पॉपुलेशन ने अपना काम किया, हो सकता है कि दुनिया के बाकी देशों में ये सारे मेजर्स काम ना करें। लेकिन न्यूजीलैंड की स्मॉल पॉपुलेशन होने के बावजूद या रिमोट लोकेशन होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे लेसन्स हैं जो बाकी कंट्रीज लर्न कर सकती हैं न्यूजीलैंड से और उतने ही अच्छी तरीके से अपने देश में इम्पोज कर सकती हैं। यानी कि अगर हम कहें दोस्तों तो पॉपुलेशन कम होना या ज्योग्राफिकल एडवांटेज, माना कि ये दोनों ही इश्यूज बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि न्यूजीलैंड के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, बाकी जो मीजर्स हैं उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। दूसरी कंट्रीज जो हैं उन मीजर्स को अपने यहाँ पे इम्पोज कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं और खुद को भी कोरोना वायरस से फ्री कर सकती हैं। लास्ट जो है वो ये है दोस्तों कि प्रॉपर फॉलोअप ऑफ पेंडेमिक गाइड बुक। जो भी पेंडेमिक से रिलेटेड गाइडलाइंस आ रही थी, इंटरनेशनल ब्रीफिंग हो रही थी WHO की तरफ से, हर एक गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया न्यूजीलैंड के द्वारा, और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट वॉज फॉलोइंग द बेस्ट गाइडलाइंस फॉर डीलिंग विद द न्यू वायरस। द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ पेंडेमिक रिस्पॉन्स फॉर एवरी कंट्री मस्ट बी टू फाइंड टेस्ट आइसोलेट एंड केयर फॉर एवरी केस एंड टू ट्रेस एंड क्वारंटीन एवरी कॉन्टैक्ट। कोरोना वायरस को लिमिट करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आप ढूंढें, टेस्ट करें,
आइसोलेट करें और हर केस की अच्छे तरीके से परवाह करें। आप इग्नोर नहीं कर सकते लोगों को, आप मना नहीं कर सकते टेस्ट करने के लिए। आपके पास यदि कोई व्यक्ति टेस्ट करवाने के लिए आ रहा है तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए और मैसिव लेवल पे टेस्ट कंडक्ट करना शुरू कर दीजिए। स्टॉपिंग द वायरस ऑल्सो मीन द कंट्री कैन ब्रिंग इट्स इकोनॉमिक रिकवरी सूनर, यानी कि वायरस को जल्दी से जल्दी खत्म करने का दूसरा तरीका क्या, दूसरा फायदा क्या है? एक फायदा तो यह है दोस्तों कि आपको आपकी आजादी मिल गई है, ठीक है, आप अब अपने घरों में कैद होने को मजबूर नहीं है, आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि एक देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी बहुत जल्दी वो देश कर सकता है, जो देश जितना जल्दी कोरोना वायरस से मुक्त होगा वो देश उतनी ही जल्दी इकोनॉमिक रिकवरी करने में कामयाब होगा। प्रधानमंत्री अर्डन के अनुसार इकोनॉमी जो है अब ऑपरेट कर सकती है नॉर्मल से, 3.8% लेवल जो नीचे जा गया था अब इसको ऊपर करने में ये अब अपना ध्यान लगा सकते हैं। वी नाउ हैव अ हेड स्टार्ट ऑन इकोनॉमिक रिकवरी बिकॉज एट लेवल 1 वी बिकम वन ऑफ द मोस्ट ओपन, इफ नॉट द मोस्ट ओपन इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, शी सेड। न्यूजीलैंड अब इस तरीके से कोरोना वायरस से फ्री हो गया है दोस्तों कि इसने अपनी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खोल दी है और अब ये मोस्ट ओपन रिकवरीज ऑफ द वर्ल्ड में से एक देश बन के सामने आया है। तो ये थी दोस्तों न्यूजीलैंड की सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।